बेदमागी का डर अब दबंगों के मन से खत्म होता नजर आ रहा है। मामला वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र के सुतबलपुर का है, जहां चौकी प्रभारी को शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले को रोकना महंगा पड़ गया। क्या कुछ हुआ आप खुद ही देख लीजिए। यूपी में पुलिस के कारनामों की वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, इन सब को थोड़ा साइड में रखते हैं, क्योंकि कभी कभार पुलिस वाले अपने काम को बड़े ही संजीदगी से करते नजर आ जाते हैं। लेकिन यूपी के दबंगों की बात तो अलग ही है जनाब, और जब दो बैग अंदर हो तो यूपी के दबंग अपने को सनी पाजी समझ बैठते हैं। सुरक्षा का दूसरा नाम यूपी पुलिस है, और डर का भी, लेकिन खाकी का डर कुछ बदमाशों में मानो खत्म सा हो गया है, और सुरक्षा करने के नाम पर यूपी पुलिस की ऐसी तैसी हो गई है। हो भी क्यों ना भैया, हम कुछ नहीं कह रहे, आप खुद ही सुन लीजिए कि किस तरह चौकी इंचार्ज को शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले को रोकना महंगा पड़ गया। गाड़ी रोका प्रयोग करने लगे, किस लिए गाड़ी रोके, जैसे शब्द प्रयोग करते हैं तुरंत एक पंच मार दिया। ये तो आपने सुना चौकी इंचार्ज का दर्द, अब हम आपको बताएंगे उस दबंग सनी पाजी के बारे में जिसने चौकी इंचार्ज साहब को मुंह की दे दी। ऐसा वैसा दबंग समझने की गलती भी मत कर दीजिएगा। भाई साहब रेलवे के कर्मचारी हैं और चुनार में कार्यरत हैं। इन्होंने तो पुलिस पर उल्टा ही आरोप लगा दिया। जी भैया, कुछ ऐसी घटना नहीं हुई थी। हाँ। हम लोग वहाँ पे मार्केट में थे और साहब पूछे, और हम लोग उससे हाथा बाई किए और बीच बचाव में कुछ ऐसा हुआ, फिर लाकर हम लोगों के साथ भी ऐसे किए। वहीं इस घटना के बाद आरोपी और उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और उन पर धारा 333, 353, 504, 506 और 7CLA के तहत मुकदमा दर्ज कर उन पर कार्रवाई की जा रही है।